आज आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं बताइए अपनी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सरकार ने एक मजदूर विरोधी एक नीति का पालन करते हुए आज से पहले 13,000 दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को निकाल दिया और आज 8500 होमगार्ड के लोगों के पेट पर लात मार रही है तेरी सरकार की है। सरकार चाहती है राम राज्य की बात करती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। राम राज्य में यह था कि हर व्यक्ति को रोटी थी, हर को रोजगार था, हर को शिक्षा थी। आज सरकार इनकी बातें तो करती है लेकिन आज हम गरीबों की रोटी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों के थाली की रोटी छीनी जा रही है, उनकी शिक्षा छीनी जा रही है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब भारत के कानून में संविधान में 395 आर्टिकल्स में से 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है तो एक बार अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता। आज एक बार अमेंडमेंट करके दिल्ली होमगार्ड्स के एक्ट में अमेंडमेंट करके दिल्ली के नहीं तमाम भारत के 7.5 लाख होमगार्ड्स के लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। 7.5 लाख लोग जो हैं उनके पीछे लाखों परिवार हैं जिनके बच्चों की रोजी रोटी की समस्या है। सरकारों काम लोगों को रोजी रोटी देने का है, उनके भविष्य की चिंता करने का है। अगर राम राज्य की बात करते हैं तो हर भारत के आदमी के घर के अंदर रोटी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, उनके बच्चे शिक्षित होने चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए। दोस्तों मैं इन्हीं के साथ सरकार से कहूँगा कि जो आज 8500 होमगार्ड्स दिल्ली के और तमाम भारत के 7.5 लाख लोग जो इकट्ठे होकर एक सरकार के खिलाफ आह्वान कर रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी बचाई जाए, तो सरकार का काम नैतिक मूल्य है कि सरकार होमगार्ड एक्ट में बदलाव करके हमारे अंदर हमें 60 साल तक नौकरी करने का वायदा करें ताकि जो काम नई भर्ती के लोग करेंगे वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोग चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे 62 का वार हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की कारगिल युद्ध हो, होमगार्ड्स के लोगों ने सरकार के साथ मिलकर और पुलिस और सैन्य बलों की एडिशनल हेल्प की है। और मैं चाहता हूँ कि ये तमाम 8000 के होमगार्ड्स लोग जो शिक्षित हैं ट्रेंड हैं उनको उनके रोजगार से नहीं निकाला जाए, उनके बच्चों की रोटी ना छीने जाए, उनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें, देश का भविष्य बनाएं। ये इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।